हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। हर बंदा आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बंदे भी इस टॉपिक के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जो है वो आज के टाइम पे ओरिएंटेड है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और बहुत सारा कंटेंट भी अवेलेबल है ऑनलाइन कि मशीन लर्निंग ये है, मशीन लर्निंग के अंदर ये सारे एल्गोरिदम्स है, कैसे ये मॉडल को ट्रेन करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो चीज मिसिंग है वो क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स, जो स्टैट है, जो बिहाइंड द सीन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्चुअल में क्या है, मिसिंग। क्यों? क्योंकि लीनियर रिग्रेशन की जब भी हम बात करते हैं तो तुरंत क्या करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है, ऐसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऐसे ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, मतलब सारी कहानी एक मिनट में एग्जांपल के साथ बता देंगे। बट बेसिक मैथ जो इसके पीछे है वो बताना बहुत जरूरी है यार। रिग्रेशन का ये जो टॉपिक है, ये जो रिग्रेशन है, ये तो 19वीं सदी का टॉपिक है, और ये जो मशीन लर्निंग आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं इसके ऊपर। ऑल्दो ये टॉपिक नया नहीं है, बट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तो बड़ा नया टॉपिक है। तो यार जो बेसिक मैथ है, जो 19वीं सदी से हम लोग बात कर रहे हैं रिग्रेशन की, लीनियर रिग्रेशन, पहले वो तो समझ लो कि यार एक्चुअल में रिग्रेशन है क्या, लीनियर रिग्रेशन है क्या। उसके बाद हम इस चीज को रिलेट कर देंगे मशीन लर्निंग के साथ कि ठीक है भैया, पहले इंसान इस चीज को कैसे समझ रहा है, अब हम बात करेंगे कि भैया मशीन इस चीज को कैसे समझेगी। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा कि भैया रिग्रेशन क्या है। मैं अभी मशीन लर्निंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी बात करूंगा सबसे पहले रिग्रेशन क्या है, बेसिक मैथ बताऊंगा। तो रिग्रेशन समझते हैं सबसे पहले क्या है। रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट एंड प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है और उसके बेसिस पे कुछ प्रिडिक्ट करना है, फॉरकास्ट करना है, दैट इज बेसिकली द रिग्रेशन। अब यहाँ पे बाकी की कहानी तो आपको समझ में आ जाएगी, प्रिडिक्ट करना मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है, अंडरस्टैंड मतलब समझना चीजों को। सबसे पहली जो चीज है वो है वेरिएबल। कि सर वेरिएबल क्या है, सुना तो हुआ है सी प्रोग्रामिंग में, सी प्लस हमने वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेट्रिक, अ काइंड ऑफ वैल्यू जहां पे हम लोग जो है वो क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे हाइट मैंने बोला 6 feet, वेट मैंने बोला 100 kg, ये क्या है, एक वैल्यू जो है वो मैं असाइन कर रहा हूं। तो वेरिएबल क्या है, एक क्वांटिटेटिव डेटा है जिसके बेसिस पे हम लोग जो है वो कुछ वैल्यूज को मेजर कर रहे हैं, कुछ मैट्रिक है। अब मुझे इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करना है तो मैं रिग्रेशन को यूज करता हूं। किसको, रिग्रेशन को। तो यहां पे जो वेरिएबल है, अब मेरे वो वेरिएबल की कहानी तो समझ में आ गई। अब यार ये जो वेरिएबल है, ये दो तरीके से हमारे पास, दो टाइप के वेरिएबल है, एक है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो। डिपेंडेंट मतलब जिस चीज को हमें प्रेडिक्ट करना है, मतलब ऐसी वैल्यू जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है वो है डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट मतलब जिसके बेसिस पे करना है, इसको प्रेडिक्ट करना है इसके बेसिस पे, तो जिसके बेसिस पे करना है वो इंडिपेंडेंट, जिसको करना है प्रिडिक्ट वो डिपेंडेंट। एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो प्रिडिक्टिंग द सैलरी बेस्ड ऑन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे प्रिडिक्ट करना है सैलरी कितनी होगी। तो भैया ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या हो गया यहां पे, इंडिपेंडेंट, और सैलरी क्या होगी जिसको प्रिडिक्ट करना है, क्या हो गया, डिपेंडेंट। ये सिंपल सी कहानी है। और देख लो, प्रिडिक्टिंग एग्जाम स्कोर बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स, मतलब स्टडी आवर्स, कितने घंटे पढ़ाई की उसके बेसिस पे मुझे स्कोर चेक करना है। तो भैया कितने आवर्स पढ़ा, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और कितना स्कोर आया या आ सकता है वो हो गया आपका डिपेंडेंट। ऐसे ही प्रिडिक्टिंग रीसेल प्राइस बेस्ड ऑन व्हीकल एज, मतलब व्हीकल की एज के हिसाब से मुझे उसका प्राइस चेक करना है कि रीसेल प्राइस क्या हो सकता है, रीसेल प्राइस यहां पे क्या हो गया, डिपेंडेंट, और व्हीकल की एज क्या होगी, इंडिपेंडेंट। बस ये सिंपल सी कहानी है, पहले इसको समझो यार, फिर उसके बाद हम मैथमेटिकल धीरे धीरे करके आगे चीजें समझेंगे और मशीन लर्निंग और वो सारी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो ये समझ में आ गया इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है। अब यहां पे जो रिग्रेशन है, हमें इनके बीच में रिलेशनशिप को दिखाना है, तो रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली एक ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे ही मैंने यहां पे एक सिंपल ग्राफ बनाया,
2D ग्राफ बना रहा हूं। यहां पे आपको पता क्या होता है x एक्सिस, यहां पे आपको पता है क्या होता है y एक्सिस। अब ये जो x एक्सिस है ये हमारा इंडिपेंडेंट के लिए यूज किया जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट जो मेरा वेरिएबल है उसको मैं x एक्सिस पे रखता हूं और जो डिपेंडेंट है उसको मैं कहां पे रखता हूं y एक्सिस पे। मतलब आप तो जैसे स्कोर चेक करना है स्टूडेंट का बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स, कितने घंटे पढ़ा, तो जो स्टडी के आवर्स है वो मेरा इंडिपेंडेंट यहां पे रख दूंगा और मेरा स्कोर कितना आया प्रेडिक्ट करना है वो मैं वाई पे रख दूंगा। मतलब ये कहानी आई होप सबको समझ में आ गई। अब यहां पे कहानी क्या कहती है कि ये जो रिग्रेशन है, मतलब आपस में जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब लाइक दिस, क्या समझे, कि अगर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है और अगर ये वैल्यू घट रही है तो ये भी घट रही है। समझ में आई, मतलब ये वैल्यू मैंने इंक्रीज की तो ये भी इंक्रीज हुई, तो दैट इज अ पॉजिटिव रिग्रेशन। और नेगेटिव रिग्रेशन क्या हुआ, लाइक दिस, लाइक दिस, इसको आप नेगेटिव रिग्रेशन कह सकते हो। वही रीसेल वाला एग्जांपल, एज बढ़ रही है व्हीकल की तो रीसेल वैल्यू कम हो रही है, तो ये क्या हो गया कि नेगेटिव रिग्रेस। मतलब आपको मेन कहानी पहले समझो यार, इसका क्रक्स पहले समझो, फिर आगे हम रिलेट करेंगे। अब ये जो रिग्रेशन है इसके मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या कहता है, जब भी हम दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन कह लो या आपस में अंडरस्टैंडिंग उनकी फाइंड आउट करते हैं कि कैसे वो रिलेटेड है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, तो लीनियर है। दूसरा तरीका हो सकता है मल्टीलीनियर रिग्रेशन। मल्टीलीनियर रिग्रेशन जहां पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट, मल्टीपल इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, वो क्या हो गया आपका मल्टीलीनियर रिग्रेशन। और तीसरा लेट्स सपोज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइन हमेशा इस तरीके से लीनियर ही होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, कई बार हमारी जो लाइन है वो इस तरीके से लीनियर नहीं बनती, हमारी इस तरीके से भी बन सकती है, हमारी इस तरीके से भी बन सकती है, नॉन लीनियर बन सकती है, पॉलिनोमियल उस चीज को बोला जाता है। ये एक सिंपल पहले मैथमेटिक्स को समझो, धीरे धीरे करके जब आप ये समझ जाओगे उसके बाद की कहानी तो बहुत सिंपल है यार। उसके बाद क्या करना है, पाइथन में सब कुछ बना हुआ, लाइब्रेरीज बनी हुई है, उठाओ डेटा को, उठाओ उसके ऊपर ट्रेन करो, टेस्ट करो, बात खत्म। मेन कहानी समझ में नहीं आई किसी को, तो पहले इसको समझेंगे एक एक करके, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लीनियर रिग्रेशन विद एग्जांपल विद न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।